हे गाइस वेलकम बैक विद अनदर वीडियो और गाइस मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ हॉंगटन फ्रेज आल्सो नोन एज हेलो फ्रेज। सो गाइस ये वीडियो होने वाला है फर्स्ट वीडियो जो हिंदी में आप लोगों को अवेलेबल मिलेगा। तो गाइस इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है और बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस हॉंगटन फ्रेज सीखने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक फ्रीजेस आना चाहिए जैसे बेबी फ्रीज, चेयर फ्रीज एंड साइड फ्रीज। तो गाइस अगर आपको अब तक ये फ्रीजेस नहीं आता है तो मैंने आई बटन पर लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हो। तो गाइस आपको स्टार्ट करना है चेयर फ्रीज से, देखिए कुछ ऐसा, और जो आपका हेड पोजीशन होगा देखिए कुछ ऐसा। मेक श्योर कि जब आप हेड फ्लोर पर टच करें आपका जो चिन है वो चेस के पास टच ना आए और आप लोगों का जो हेड है वो प्रॉपर टाइट हो, देखिए कुछ ऐसा। सो गाइस जैसे आपका परफेक्ट एक हेड पोजीशन होता है तो अभी आपको फोकस करना है हैंड पोजीशन पे। तो गाइस हैंड पोजीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हॉंगटन फ्रीज में बिकॉज पूरा हैंड ही डिपेंड करता है हॉंगटन फ्रीज के लिए। तो गाइस आपको फोकस क्या करना है, ओके मेक श्योर कि जब आप चेयर फ्रीज करते समय आपका हैंड फ्रंट में आ रहा था, साइड में आ रहा, तो अभी आपका जो हैंड है वो आएगा हेड के पीछे, देखिए कुछ ऐसा। और जैसे आपका एक परफेक्ट बॉडी पोजीशन और हैंड पोजीशन आता है बैक साइड पे, तो गाइस अभी आपको स्लोली ट्राई करना है कि आपके जो दोनों लेग्स है उसको लिफ्ट करें लाइक अ साइड फ्रीज, देखिए कुछ ऐसा। सो गाइस अभी आपको पता है कि लाइक आपका हैंड पोजीशन कैसा होना चाहिए और लेग पोजीशन कैसा होना चाहिए हॉंगटन फ्रीज के लिए। तो गाइस अभी आपको फोकस करना है बैलेंस की तरफ लाइक फ्रीज की तरफ, ओके फ्रीजेस की तरफ। सो गाइस ये बहुत बेसिक और बहुत कूल ट्रिक है बिकॉज लाइक जब मैं सीख रहा था तो मैंने भी ये ट्रिक यूज़ किया था। तो गाइस अभी आपको सपोर्ट लेना है वॉल का, ओके वॉल के पास जाना है, जैसे आप चेयर फ्रीज कर रहे थे वैसे ही चेयर फ्रीज करो, हैंड पोजीशन पीछे आएगा, स्लोली बॉडी को वॉल से टच रखो और बॉडी लिफ्ट करने की कोशिश करो, देखिए कुछ ऐसा। जितना स्लो हो सके उतना स्लो करो और ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस करें ताकि आप जो हॉंगटन फ्रीज है आपका क्लीन दिखे और परफेक्ट दिखे। और जैसे आप परफेक्ट एक बैलेंस कर पाते हो अभी आपको फोकस करना है लेग पोजीशन पे। तो आप लोगों का जो लेग पोजीशन है वो कुछ ऐसा होना चाहिए लाइक नाइकी दिखना चाहिए, तो इससे क्या होगा जो आपका हॉंगटन फ्रीज है वो क्लीन और परफेक्ट दिखेगा, देखिए कुछ ऐसा। और जैसे आप हॉंगटन फ्रीज इजीली वॉल के सपोर्ट लेके कर लेते हो तो अभी आपको ट्राई करना है कि विदाउट वॉल का सपोर्ट लेके हॉंगटन फ्रीज करें। स्लो करना है, स्टार्टिंग में आप गिरोगे बट मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस पे फोकस करो ताकि जो आपका हॉंगटन फ्रीज है वो प्रॉपर हो, बैलेंस बने और क्लीन और परफेक्ट दिखे। सो गाइस ये था हॉंगटन फ्रीज ट्यूटोरियल, आई होप कि आपको समझ में आया हो कि हॉंगटन फ्रीज कैसे करना है। तो गाइस आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो या मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और गाइस मेरे चैनल पे आप नहीं हो तो मेरे चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मेरी कोई भी अपकमिंग वीडियो आप मिस ना कर पाए। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, पीस।